अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे भिंडी, जो बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनने वाली है। भिंडी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम भिंडी ली है, 2 बड़ी प्याज ली है, 2 मीडियम साइज के टमाटर और ये 5 हरी मिर्च और 5 लाल सूखी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने कढ़ाई रख दी है, अब इसमें हम तेल डाल देंगे। तेल हमारा ये आधा कप जाएगा और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। और ये तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को लाइट पिंक होने तक फ्राई करना है। प्याज हमारी पिंक हो गई है, इसमें हम डालेंगे ये मिर्च, इसको भी 2 मिनट तक फ्राई करना है। फिर हमारे जाएंगे टमाटर, इनको भी 1-2 मिनट तक फ्राई करना है। ऐसे धीरे धीरे सबको 1-2 मिनट तक फ्राई करना है। और इसके बाद जाएगा हमारा ये जीरा। अभी इन सबको 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और ये हमारी एक अच्छी चटनी सी बनकर तैयार हो गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये देखिए, चटनी ही देखने में इतनी अच्छी लग रही है, हमारी भिंडी कितनी टेस्टी। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 3-4 भिंडी को भी 3-4 मिनट तक फ्राई करना है। और हर साइड से इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। भिंडी अच्छे से हमारी फ्राई हो गई है। इसमें थोड़ा पानी डालकर बनने के लिए रख देंगे। पानी हमारा आधे कप से कम है, इसको ढककर रख देंगे। भिंडी को हमें लो फ्लेम पर ही बनाना है, फ्लेम को हमें लो ही रखना है जब तक हमारी भिंडी बनकर तैयार है। तैयार होने में 8-10 मिनट लग जाएंगे। और ये हमारी भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इन भिंडियों को सर्व कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी भिंडी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है और इसमें बनाने में कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई है। आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाकर खाइएगा।
अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।